करीब हफ्ते भर से लगातार हो रही बारिश से शहर और परिसर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। शहर के पास से बहने वाली वना नदी पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। इसका जलस्तर नए बने पुल को छू रहा है। शंकर भवन मूर्ति का चबूतरा पूरी तरह पानी में आ गया है। एहतियात के तौर पर पुल पर से होने वाले आवागमन को रोक दिया गया है। शहर के नदी किनारे रहवासियों को सावधानी का इशारा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे के लोगों को स्थानांतरित करके स्कूल में भेजा है। उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, तहसीलदार सतीश मासाल, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, पुलिस निरीक्षक पुनकर, PSI सोमनाथ टापरे ने परिस्थिति का जायजा लिया। उप विभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में तहसीलदार सतीश मासाल के नेतृत्व में प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ गया है। या प्रमाणे सूचित करण्यात आलेला आहे तर सगळ्या हिंगणघाट तालुक्यातील नागरिकांना या सूचना असतील की अत्यंत जर महत्त्वाचं काम असेल तरच घराबाहेर पडा। जिथे पूरप्रवण क्षेत्रातील लोक आहेत, नदीकाठावरील जे आहेत, तर जर प्रशासनाने जर आवाहन केलं असेल तर त्यांनी कृपया सुरक्षित स्थळी जाण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावं। त्याचबरोबर आता आपण जिथे उभे आहोत, आता हा जो पुलाचा परिसर आहे तर हा पुलाच्या याच्यावरून सुद्धा पाणी वाहत होतं आणि अशावेळी नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये सकाळच्या वेळी इथे सेल्फी काढायला म्हणा किंवा फोटो काढायला उपस्थित झाले होते। आता त्याचवेळी आम्हाला तत्काळ लोकांना पाठवून पोलिसांनी नंतर बॅरिकेड पूर्ण लावून हा मार्ग बंद केलेला आहे। त्याच्यामुळे अतिउत्साहाच्या नादामध्ये किंवा अशा प्रकारे जीवितहानी होणार नाही याकरता त्यांनी काळजी घ्यावी, खबरदारी घ्यावी आणि आपल्या आणि आपल्या कुटुंबियांच्या प्रती सुरक्षितता बाळगावी। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए कॅमेरामॅन योगेश लखोटे के साथ रवी यनौरकर की रिपोर्ट।